हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है होप uh, आज सबके पोर्टफोलियो अच्छे खासे होंगे और अगर हम बात करें uh, हम कुछ टाइम पहले जब मार्केट कंटिन्यूसली गिर रही थी तो आपको बताया जा रहा था कि मार्केट को अलग तरीके से देखना सीखो मार्केट को उस ब, उन बड़े लोगों की तरह के नजरिए से देखना सीखो जिन्होंने मार्केट से करोड़ों और या कह सकते हैं मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस यहाँ से कमाए हैं तो इसलिए थोड़ा सा अपना व्यू प्रसैप्शन चेंज करिए मार्केट में अभी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आप जिसमें अच्छे शेयरों में अगर आप हाथ डालोगे ना वहां पर से आपको पैसा बनता हुआ दिखाई देगा ऐसी ही यहाँ पर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी से रूबरू कराया गया है हमेशा अगर हम बात करते हैं

बाइंग कर ली है ऑलरेडी ओके okay, आज की डेट में और मैंने जितने भी लोगों से हमें तो है, है, लेना, लेना चाहिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की आपको डेली बेसिस में मिलती रहे और यहां पर आपको बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन आपने आपको बस सीखने के लिए लिए प्रिपेयर करना है सीखना है किस तरीके से अच्छे अच्छे स्टॉक्स को आप एनालाइज करके अच्छे अच्छे स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं प्लेलिस्ट को गो थ्रू करना है ऐसे ही आप अपनी नॉलेज बढ़ाते रहिए तो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर स्टॉक्स की तो उसका नाम है फाइव पैसा फाइव पैसा की अगर हम बात करें तो ये आपको पता ही है एक ब्रोकिंग फॉर्म है ओके okay, और क्या काम करती हुई नजर आती है वो हम बात करेंगे बट अगर हम यहाँ पर देखें तो फाइव पैसा कैपिटल फॉर स्टार्टिंग सेवन इट इज फिनटेक ऑनलाइन डिस्काउंट स्टॉक स्टॉक ब्रोकिंग डिपॉजिटरी सर्विस रिसर्च डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट एमपियर टू पीयर लैंडिंग मतलब लैंडिंग में भी है और ये कंपनी अगर बात करें अच्छी खासी कंपनी है और यहाँ पर अगर देखें मार्केट शेयर तो इज नाउ एमोंग द टॉप थ्री ब्रोकर इन डिस्काउंट ब्रोकिंग स्पेस एंड द सिक्स लार्जेस्ट ब्रोकर ऑफ द कंट्री

ब्रोकिंग फॉर्म तो उसी में काम करती हुई नजर आती है बट एक चीज में और वेल्थ और एक चीज में और काम करती है लोन तो कंपनी यहाँ पर आपको लोन भी देती हुई नजर आती है तो इस चीज को भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा uh, कंपनी ओवरऑल काफी बेहतरीन है uh, जो कि अभी आपको जो हम यहाँ पर इनके फाइनेंशियल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मार्केट कैप की बात करें तेरह करोड़ रुपए का मार्केट कैप है स्टॉक पी की बात करें ओके पी अड़सठ का है आर ओ इतने परसेंट के आसपास के टेन के डेट की बात करें वन

अब पर बात करते हैं कुछ और चीजों की यहां पर देखिए रिजल्ट तो अगर हम यहाँ पर रिजल्ट देखते हैं पिछले बारह क्वार्टर का तो कंपनी देखिए एक साइड जोन में चल रही थी तीन चार साल धीरे धीरे कंपनी ने यहां पर पिकअप शुरू किया और जैसे 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 पर मार्केट में लोग आए कि आपको पता ही है CDSR ने चार करोड़ कस्टमर जोड़े है तो अगर इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी ब्रोकर के पास गए हैं तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये कंपनी ने यहाँ पर इस ब्रोकिंग फर्म ने यहाँ पर बिजनेस करना शुरू किया मार्च के बाद और यहाँ पर अगर बात करें हाईएस्ट लेबल यहाँ पर इस बार इनकी सेल्स होती हुई दिखाई दी, नेट प्रॉफिट इनका हाईएस्ट एवर जो यहां पर घाटे में था प्रॉफिट में आता हुआ दिखाई दिया जो सात करोड़ चार करोड़ के घाटे में थी धीरे धीरे यहाँ पर कम होकर यहाँ पर आज की डेट में सात करोड़ बीस लाख का यहाँ पर यहाँ पर क्वार्टर बेस पे पर प्रॉफिट हुआ है जो कि ईयरली बेसिस पर भी देखे तो सात करोड़ रुपए का यहाँ पर सेल्स थी केवल जब यहाँ पर ये आता हुआ दिखाई दिया था मतलब कुछ लोग एक तो छोटी एक ऑनलाइन था तो इसलिए लोग यहाँ पर आते हुए दिखाई नहीं दिए तो उसके अलावा बड़े बड़े यहाँ पर ऑलरेडी एंजल बुकिंग जैसे बड़े बड़े प्लेयर थे ही तो इसलिए यहां पर इस कंपनी ने उसके यहाँ पर कुछ ज्यादा सेल्स नहीं होती हुई दिखाई दी बट

यहां पर बोराइंग है जो कि हम यहाँ पर नेग्लेक्ट करेंगे क्यूं? क्यों क्योंकि ये लोन के बिजनेस में भी है और दूसरी बात यहाँ पर इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पर टाटा ने भी यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है यहाँ पर वर्क, वर्किंग प्रोग्रेस में तो कोई पैसा नहीं इन्वेस्टमेंट नाइन करोड़ रुपीज का है कैश की बात करें पांच करोड़ इक्यासी करोड़ से पांच करोड़ का कैश तो इस देखिए कैश रिच कंपनी है जो भी पैसा आता है इनकी बुक में दिखाई देता है जो कि इनका भी नेगेटिव इस बार पॉजिटिव में है यहाँ पर बात करें प्रोमोटर्स की होल्डिंग तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग इस क्वार्टर में कम होती हुई दिखाई दी है लगभग कितनी 5 की अगर हम देखे पब्लिक फोर्टी एट से फोर्टी फोर तो लगभग थ्री परसेंट के आसपास की होल्डिंग यहाँ पर एफ आईज ने यहाँ पर पब्लिक से भी ले लिया है क्योंकि ये ही लोग होते हैं एफ आईज ये चंट लोग होते हैं चलाक लोग होते हैं पता है कि किस तरीके से ये Uh, कौन सी कंपनी में यहाँ पर फ्यूचर है और वहीं से यहाँ पर पैसा यहाँ पर निकालते हुए दिखाई देते हैं अगर फोर्टी की होल्डिंग यहाँ पर पब्लिक के पास है जिसमें से अगर यहाँ पर देखिए ट्वेंटी और वन पॉइंट की होल्डिंग यहाँ पर है और ओवरऑल इसमें से निकालते हैं, तो ज्यादा होल्डिंग यहाँ पर पब्लिक के पास बचती नहीं है और यहाँ पर सब कुछ बेहतरीन यहाँ पर इस कंपनी से रिलेटेड है तो थोड़ा सा इसकी तरफ ध्यान दीजिए कंपनी एफआईज ने यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाई है और जब से यहाँ पर एफ ने होल्डिंग बढ़ाई बढ़ाई है आपको है, तब भी, पहले ही दिया था। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर, पर हैं तो कंपनी तो है, हाँ, तो जो हाइस्ट प्राइस था पांच रुपए का जो इसके अभी रिजल्ट आए थे तब के टाइम पे तो यहाँ पर पांच से अभी कितने पे ट्रेड कर रहा है तो ये साढ़े चार सौ रुपए पे यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है तो ऑलरेडी सवा सौ रुपए है यहाँ पर नीचे है अगर हम यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर देख ले कि कितना परसेंट का यहाँ पर गैप है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी या पहला टारगेट की अगर हम बात करें तो पहला टारगेट तो यहाँ पर आपको 28 परसेंट का आता है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जिस तरीके से अभी कस्टमर ऐड हुए है दोबारा बुल मार्केट आया है दोबारा से रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ पर लुभाया जा रहा है तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें तो ये शेयर दोबारा भागता हुआ नजर आता है और बेहतरीन वे से भागता हुआ नजर आता है अगर थोड़ा सा और गिरता है तो बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं बाय और डिप्स करने के लिए यहाँ पर हमेशा रेडी रहना चाहिए अच्छे अच्छे स्टॉक्स में और यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आ रही है ट्वेंटी का और इसके जो सबकी रिजल्ट ओवरऑल जो रिजल्ट है शेयर होल्डिंग पैटर्न है ओके इनका जो बिजनेस मॉडल है स्मॉल कैप कंपनी है पहले ध्यान देखिए तेरह सौ तेरह करोड़ रुपए का तो ज्यादा यहाँ पर अगर हम बात करें ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना बट इसमें इन्वेस्ट इन्वेस्ट ना ना करना, है ये भी ना करना है ये भी क्योंकि एक एक बेहतरीन बेहतरीन कंपनी कंपनी है है और ऐसी में में हमेशा अपॉर्चुनिटी बनी रहती है। अगर मैं आपको बताऊं आज आज की की तो आज की डेट डेट तो शेयर को ना के बराबर भागता हुआ दिखाई देखिए यहाँ पर चेंज होता है इसके अलावा हम बात करें मोतीलाल ओसवाल की ओके okay, वो कितना परसेंट भागा है वो भी यहाँ पर फाइव परसेंट भागा है हम बात करते हैं आईसेक की आईसेक यहाँ पर कितना परसेंट भागा है आईसेक यहाँ पर भागा है

so much god bless